economic systems comprise of capitalist economies, socialist economies, and mixed economies. Capitalist economies, as we say, are also called as free economies or market economies or laissez-faire economies. Why? Because they are characterized by privately owned and controlled means of production. Privately owned and controlled means log own karte hain means of production ko, factors of production ko log own karte hain, private individuals own karte hain. Aur wo jo bhi production activities karte hain, those are for the profit motive. वो ये नहीं देखते कि ये एक्टिविटी हमें करने में, प्रोडक्शन करने में लोगों का फ़ायदा है या नहीं है. वो ये देखते हैं हमें वो चीज़ बनानी है जिससे हमें प्रॉफिट्स मिले. ऐसी इकोनॉमीज़ में जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इंटरफियरेंस होता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में. हम लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट की, हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. उन चीज़ों को ओन करने में और कंट्रोल करने में गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस मिनिमम होता है या इंटरफियरेंस नहीं भी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस कम होता है और नहीं होता है. एंड जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए हो रही हैं. देयरफॉर इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में बहुत लार्ज होती हैं. इनइक्वलिटीज़ का मतलब होता है गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर. जो रिच और पुअर का गैप होता है इस केस में वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो लोग रिच होते हैं वो रिचर होते चले जाते हैं और जो पुअर होते हैं वो पुअरर होते चले जाते हैं. अनदर थिंग, क्योंकि इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटली ओन्ड हैं, तो अगर फर्म्स को लगता है कि प्रॉफिट्स मिल रहे हैं हमें, तो और फर्म्स मार्केट को एंटर कर सकती हैं. लेकिन अगर कुछ फर्म्स को लगता है इस चीज़ में प्रॉफिट नहीं है या लॉसेज हैं या दूसरे में ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं, तो वो मार्केट से एग्जिट कर सकती है, मार्केट को छोड़ के जा सकती है. कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है फर्म्स के बीच. एंड कंज्यूमर सॉवरेनिटी, विच मीन्स कंज्यूमर्स आर फ्री टू कंज्यूम वट एवर दे वॉन्ट. जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंज्यूमर्स के हिसाब से होती हैं. कंज्यूमर को प्रोडक्ट एक्स चाहिए या वाई चाहिए या जेड चाहिए, ये कंज्यूमर बताता है अपने डिमांड से, और उस हिसाब से चीज़ें सप्लाई होती हैं इन इकोनॉमीज़ में. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में कोई प्लानिंग अथॉरिटी ज़्यादा काम नहीं करती है, तो फिर प्राइसेस कैसे फिक्स होते हैं? प्राइसेस इन इकोनॉमीज़ में फिक्स होते हैं विद द इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. दैट इज़ द वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म. प्राइस मैकेनिज्म की वर्किंग को हम कहते हैं वर्किंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो जब डिमांड और सप्लाई इंटरैक्ट करते हैं, उस पॉइंट पे प्राइसेस फिक्स किए जाते हैं.